नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज बच्चों में कक्षा 12 की यूनिट सेकंड का भारत में शासन का जो चैप्टर है आपका राज्य स्तरीय व्यवस्था स्थानीय स्वशासन वाला जो चैप्टर है उसके आधार पर मैं आज आपको राज्यपाल और राष्ट्रपति में तुलना बता रही हूँ बच्चों, क्योंकि कक्षा 12 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल में डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो आपको बच्चों इस डिफरेंस को समझने के लिए मेरा पूरा वीडियो आपको देखना होगा। तो देखो ध्यान से, राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना की अगर हम बात करें बच्चों, तो विधेयक के संबंध में आप सबको पता होना चाहिए साधारण विधेयक अगर है तो। साधारण विधेयक में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो है उसको क्या दे देगा, स्वीकृति दे देगा। मान लो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। और इधर आपके राज्यपाल की बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर के, राज्यपाल मिलकर के निर्माण किसका करते हैं, विधान मंडल का निर्माण करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। ये तीनों मिलकर ये कहता है अनुच्छेद 79। और राज्य विधान मंडल का निर्माण विधानसभा, विधान परिषद से और राज्यपाल से मिलकर होगा, ये कहता है हमारा संविधान का अनुच्छेद 168। इसके अलावा विधेयक की अगर हम बात करें बच्चों, तो आप सबको पता होना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा और संसद जो है वो राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। विधेयक की अगर हम बात करें तो साधारण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद बच्चों कहाँ जाता है, वो जाता है आपका राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति के पास जब विधेयक आता है तो उस पर वो तीन ऑप्शन कर सकता है। वो क्या, देखो वो विधेयक को क्या दे देगा, या तो स्वीकृति दे देगा या उसको पुनर्विचार के लिए लौटा देगा या उसको रोक लेगा। तीन काम जो है राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, या तो वो विधेयक को स्वीकृति दे देंगे या उसको पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे। मान लो उन्होंने पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा दिया तो क्या करना पड़ेगा उनको, दोबारा अगर विधेयक वापस आ जाता है राष्ट्रपति जी के पास तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे और विधेयक को अपने पास भी रख सकता है साधारण विधेयक के मामले में। देखो बच्चों, राज्यपाल भी इन तीनों चीजों को करता है, लेकिन राष्ट्रपति साधारण विधेयक के मामले में एक चीज और करता है। वो क्या करता है, राष्ट्रपति के विचारार्थ, राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है, राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। ये तीन काम तो कर ही सकता है, इसके अलावा राज्यपाल किसी भी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है वो केंद्र में भेज सकता है। ये राज्यपाल के पास में पावर होता है, जबकि राष्ट्रपति साधारण विधेयक के मामले में स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा देगा या अपने पास रख लेगा। ये तीनों चीजें राज्यपाल के संदर्भ में भी होती है, बट राज्यपाल को एक पावर एक्स्ट्रा दिया गया है, वो है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। अब बात आती है बच्चों क्षमादान के संबंध में। देखो बच्चों, आप सब जानते हो, मैंने बताया भी था कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद जो है आपका वो ये कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, किसी भी व्यक्ति की सजा को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है और उसका विराम कर सकता है। कौन, राष्ट्रपति। देखो बच्चों, सारी चीजें राज्यपाल के संदर्भ में भी लागू होती है। ये सारी चीजें किन सूची के विषयों पर कर सकता है, संघ सूची, संघ सूची का के विषय हैं, उन सब विषयों पर ही ये सब कर सकता है।
जबकि राज्यपाल भी ये चार चीजें कर सकता है लेकिन मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को माफ करने का जो पावर है वो केवल और केवल किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। केवल मृत्यु दंड को माफ केवल कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। राज्यपाल को इस प्रकार का कोई पावर नहीं दिया हुआ है बच्चों। तो ये आती है क्षमादान के संबंध में शक्तियां। फिर आता है बच्चों वित्तीय शक्तियां। देखो बच्चों ध्यान रखना कि धन विधेयक जो होता है वो केंद्र में अगर कोई भी धन विधेयक आता है तो उसमें किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। जबकि राज्यों में अगर धन विधेयक लाया जाता है तो धन विधेयक पर किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। वित्तीय शक्तियों में केंद्र में बजट प्रस्तुत होता है वो पेश कौन करवाता है? राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाता है। और राज्यों में जो है वो बजट कौन प्रस्तुत करवाता है? वो बजट प्रस्तुत करवाता है राज्यपाल। ठीक है बच्चों, धन विधेयक के मामले में दोनों को समान पावर है। जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है वही स्थिति राज्यों में किसकी होती है? वही स्थिति राज्यों में राज्यपाल की होती है। अब आता है बात बच्चों आकस्मिक निधि। कौन सी निधि बच्चों? आकस्मिक निधि। देखो बच्चों आकस्मिक निधि की अगर हम बात करें बच्चों तो आकस्मिक निधि पर केंद्र में अधिकार होता है राष्ट्रपति का और राज्यों में आकस्मिक निधि पर अधिकार होता है राज्यपाल का। दोनों को समान पावर है। राज्यों की आकस्मिक निधि पर अधिकार होता है राज्यपाल का जबकि केंद्र में आकस्मिक निधि पर अधिकार होता है किसका? राष्ट्रपति का। आपने एक नाम और सुना होगा बच्चों संचित निधि। संचित निधि पर अधिकार केंद्र में होता है संसद का और राज्यों में होता है बच्चों राज्य विधान मंडल का। तो एक निधि और होती है वो है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि में से धन उसी स्थिति में निकाला जाता है जब संचित निधि में से धन निकाला जाने की संभावना नहीं के बराबर होती है और देश की तत्कालिक समस्याओं को निदान पाने के लिए आकस्मिक निधि में से धन निकाला जा सकता है। बाकी राष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है वो संचित निधि से मिलता है, आकस्मिक निधि से नहीं मिलता है। वैसा ही राज्य की आकस्मिक निधि पर अधिकार होता है किसका? राज्यपाल का। इसके अलावा बच्चों एक चीज और ध्यान रखना है आपको, जितनी भी आपकी स्थानीय नगर पालिकाएं हैं, स्थानीय ग्राम पंचायतें हैं, उनके लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है कौन? राज्यपाल। कौन करता है बच्चों? राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन करने का कार्य राज्यपाल करता है जबकि केंद्र में वित्त आयोग गठन करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यों में वित्त आयोग के गठन का कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। धन विधेयक दोनों की पूर्वानुमति से आता है। किसकी पूर्वानुमति से? केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल। तो आपने देखा समान स्थिति है। संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है कौन? राज्यपाल। ठीक है बच्चों, अब बात आती है किसकी? स्वविवेक। देखो बच्चों स्वविवेक की जो शक्तियां हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में मौजूद नहीं है जबकि अनुच्छेद 163 राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों का उल्लेख करता है जबकि राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियों का हमारे किसमें उपयोग नहीं है? हमारे संविधान में इस बात को दर्शाया नहीं है। क्या नहीं दर्शाया? देखो बच्चों आप सब जानते हैं बच्चों जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन बच्चों हर बार बहुमत की सरकार बने ये तो जरूरी नहीं है। तो हमारे देश में अल्पमत कांग्रेस की सरकार जो है 30 सालों तक रही आजादी के बाद, उसके बाद बच्चों
क्या साझा सरकारों या गठबंधन की सरकार हमारे देश में बनने लगी। स्थिति ये हो गई कि विभिन्न दलों के सदस्य मिलकर के एक साझा या गठबंधन सरकार बनाने लगे और आज भी है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। कांग्रेस का जो गठबंधन है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तो ये जो गठबंधन है अगर इन गठबंधनों की सरकार बन जाती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री को चुनने में और इस स्वयं विवेक के शक्तियों के कारण ही राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को बहुमत सिद्ध करने के लिए आमंत्रित करता है कि आप इतने दिन में अगर अपना बहुमत सिद्ध कर देते हैं तो आपको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति की स्वयं विवेक के शक्तियों का उल्लेख हमारा भारतीय संविधान बच्चों नहीं करता है। उसके बाद आता है राज्यपाल। राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 163 कहता है कि मुख्यमंत्री को चुनने में राज्यपाल अपनी स्वयं विवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और कई बार राज्यपाल ने इस का यूज किया है और इसी आधार पर बच्चों राज्यपाल पद की समय समय पर आलोचना हुई है। राज्यपाल पद पर समय समय पर हमारे देश में विवाद हुए हैं और इसके लिए अनेक समितियों का गठन भी किया गया। राज मन्नार समिति का गठन किया गया, सरकारिया आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सरकारिया आयोग और आपकी जो राज मन्नार समिति थी, मेमोरेंडम पश्चिमी बंगाल का मेमोरेंडम कार्यक्रम जो है वो लागू किया गया, तो इन सब के पीछे यही उद्देश्य था कि राज्यपाल के पद को लेकर जो हमारे देश में क्या हो रही है, राजनीति हो रही है, उसके संबंध में अपने सुझाव इन लोगों ने प्रस्तुत किए और इन्होंने कहा कि राज्यपाल के जहां पद है उस राज्यपाल को उस राज्य में नहीं लगाया जाना चाहिए जिस राज्य का वो क्या हो, निवासी हो। ये बात इसमें कही गई और ये कहा गया कि राज्यपाल की अगर नियुक्ति होती है तो राज्यपाल क्या नहीं होना चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति में उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह ली जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हमें पता चलती है तो ये राज्यपाल के संबंध में विवाद से उत्पन्न हुई है। तो राज्यपाल को स्वयं विवेक की शक्तियां संविधान ने दी है जबकि राष्ट्रपति को ये सब नहीं दिया गया है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं अध्यादेश की। आप सब जानते हैं बच्चों अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति को संसद का सत्र अगर नहीं चल रहा हो और हमारे देश में कानून की आवश्यकता है तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा जो विधेयक या कानून लाया जाता है उसी को हम अध्यादेश कहते हैं बच्चों। जो अध्यादेश राष्ट्रपति संघ सूची के विषयों पर लागू करता है वही चीजें राज्यपाल राज्यों में करता है। तो राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 213 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राज्यों में अध्यादेश लागू करने का कार्य राज्यपाल का है और केंद्र में अध्यादेश लागू करने का कार्य राष्ट्रपति जी का है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के आधार पर और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के आधार पर जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने के बाद उसे संसद में पास करवाना जरूरी होता है। संसद का सत्र जैसे ही चालू हो उसके एक महीने के अंदर अंदर उसको पास करवाना होता है तभी वो अध्यादेश आगे जारी रह सकता है, वरना अध्यादेश अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए राज्यों में अध्यादेश लागू करने का कार्य राज्यपाल करता है जबकि केंद्र में कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति करता है। यह अध्यादेश के संबंध में दोनों का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया कि जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है वही स्थिति राज्यों में राज्यपाल को दी गई है। लेकिन बच्चों हमारे संविधान जो संघात्मक शासन लिए हुए हैं लेकिन एकात्मक शासन के गुणों को ज्यादा वेटेज दिया गया है। वैसे ही आपने जानते हो बच्चों आपातकाल के संबंध में, किसके संबंध में, आपातकाल के संबंध में, अगर हमारे देश में आपातकाल है और आपातकाल तीन स्थितियों में आता है, कितनी स्थितियों में, तीन स्थितियों में, अनुच्छेद 352, 356 और 360। देखो बच्चों इन तीनों स्थितियों में अगर आपातकाल लागू होता है, राज्यों में भी आपातकाल लागू होता है बच्चों, तो समस्त देश का शासन
राष्ट्रपति शासन कहलाता है। राष्ट्रपति के नाम से समस्त देश की शासन व्यवस्था क्या होती है, संचालित होती है। तो समस्त देश की शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती है। राज्यपाल को आपातकालीन शक्तियों में किसी भी प्रकार का कोई क्या नहीं दिया गया है, किसी भी प्रकार की कोई क्या नहीं दिया गया है, आपातकालीन शक्तियां इसको प्रदान नहीं की गई है। हालांकि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आपातकाल में काम करता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना राष्ट्रपति को देता है, लेकिन माना जाएगा राष्ट्रपति शासन। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि आपातकाल के समय समस्त शासन केंद्र सरकार को चला जाता है, राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। तो समस्त देश का प्रशासन जो है बच्चों, वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है आपातकाल के समय। इसके अलावा देखो बच्चों, एक आपने सुना होगा बच्चों महाभियोग। महाभियोग का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान शब्द मिलता है अनुच्छेद 56 में, और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है बच्चों अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में आपको महाभियोग प्रक्रिया देखने को मिलेगी, जबकि महाभियोग शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 56 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन संसद अगर 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। जबकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति चुना जाता है, जबकि राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। बच्चों आप सबने सुना है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से होता है बच्चों? निर्वाचक मंडल। इस बात का उल्लेख हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 कहता है। क्या कहता है? कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं बच्चों? मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया भी है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। बट राज्यपाल जो है उसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो वरिष्ठतम जो राजनीतिक दल के नेता हैं, उन लोगों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है, और राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, जबकि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रणाली के द्वारा ही हटाया जा सकता है बच्चों। तो राज्यों में जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है वो राज्यपाल की राज्यों में है, लेकिन महाभियोग संबंधी मामले में, आपातकाल के संबंध में, नियुक्ति संबंधी मामलों में ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। केंद्र में एक राष्ट्रपति का पद बड़ा ही सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखा जाता है बच्चों। राष्ट्रपति और राज्यपाल में फर्क है कि हमारे देश का राष्ट्रपति हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राज्यों के जो राज्यपाल है वो केवल अतिथियों का सम्मान करने और मेहमानों की आवभगत करने में ही क्या होता है, उसका समय लग जाता है। केवल उसका काम है हस्ताक्षर करना। ये सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर भी रही, भारत की महिला मुख्यमंत्रियों में पहली मुख्यमंत्री बनी थी सरोजिनी नायडू, उन्होंने भी ये बात कही है कि राज्यपाल की भूमिका केवल मेहमानों की आवभगत करना है, केवल साइन करना है, जबकि राष्ट्रपति की भूमिका राज्यपाल से काफी ऊपर है बच्चों। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की एक जैसे कार्य होने के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की है वो राज्यों में राज्यपाल की है, बट कई क्षेत्रों में राष्ट्रपति ज्यादा पावरफुल है बच्चों की बजाय किसके, बजाय किसके। और एक आप ध्यान रखना संयुक्त अधिवेशन वाली बात। कौन सी बात? संयुक्त अधिवेशन। आप ध्यान रखना बच्चों कि राज्यों, लोकसभा और राज्यसभा अगर किसी विधेयक को पारित नहीं करती है, लोकसभा और राज्यसभा विधेयक को पारित नहीं करती है, तो 6 महीने के बाद में संयुक्त अधिवेशन का आयोजन होता है। संयुक्त अधिवेशन को आहूत करने का कार्य राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यों में
संयुक्त अधिवेशन की बात नहीं मिलती है बच्चों। अगर राज्य विधानमंडल ने किसी विधेयक को पारित नहीं किया तो उसमें संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। बाकी लोकसभा को आहूत करना है, अभिभाषण देना है, लोकसभा को भंग करना है, जो पावर हमने राष्ट्रपति को दिए हैं वही पावर हमने राज्यपाल को दिए हैं। तो आज हमने बच्चों राष्ट्रपति और राज्यपाल के मध्य डिफरेंस देखे कि क्या क्या इनमें विभिन्नता है, क्या क्या समानता है। जो जिस स्टेज पर केंद्र में स्थिति राष्ट्रपति की है वो राज्य में राज्यपाल की कितनी है, महाभियोग, नियुक्ति, आपातकाल, इनमें राष्ट्रपति राज्यपाल की तुलना में कितना शक्तिशाली है, ये हमने आज के वीडियोस में देखा। और आप चाहते हैं मैं आगे भी आपके लिए कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस के बाकी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करवाऊं तो देखते रहिए मेरा वीडियो नव भारती स्टडी सर्कल चैनल पर। धन्यवाद बच्चों।